तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ई पैन कार्ड क्यों नहीं बनाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और आपको इससे क्या नुकसान हो सकता है। ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मैं इसी तरह के हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन एंड अपडेट्स में। तो दोस्तों, 5 ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से आपको ई पैन कार्ड अप्लाई नहीं करना चाहिए, और वो 5 रीज़न क्या है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला रीज़न, आपके सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे। मतलब आप जब ई पैन कार्ड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो आपके सिग्नेचर अपलोड ही नहीं होंगे। इसमें क्या होता है कि जो कि आपके आधार में जो डिटेल्स होती हैं, आपका नाम होता है, आपकी फ़ोटो होती है, वही आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से फैच हो जाता है। आधार में कोई सिग्नेचर नहीं होता है। दूसरा रीज़न ये है कि आपके पिताजी का नाम, जो आपके फादर्स नेम होता है, जो ओरिजिनल पैन कार्ड पर होता है, वो आपको यहाँ पर शो नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देख लेना है अच्छे से अप्लाई करने से पहले। तीसरा रीज़न ये है कि आपका रिसेंटली जो फ़ोटो होगा, जो एक अच्छा सा फ़ोटो आपके पास होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो आप इसमें अपलोड नहीं कर पाएंगे। जो आधार का जो आपका फ़ोटो होता है, वही आपका ऑटोमेटिकली उसमें फैच हो जाएगा और वहाँ पे आपका वही प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये तीसरा रीज़न था। चौथा रीज़न ये है कि आपको बस पैन नंबर मिलेगा, फिजिकल पैन कार्ड नहीं मिलेगा, ओनली ई पैन कार्ड मिलेगा। ई पैन कार्ड जैसे कि आपको PDF में ये डाउनलोड आप कर पाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने अप्लाई कर दिया तो यहाँ से आप जो है अपना डाउनलोड कर सकते हैं ई पैन कार्ड, और आपको ई पैन कार्ड वो आपको प्रिंट करके रख लेना होता है या फिर आप उसका PDF सेव कर लेते हैं। फिजिकल पैन कार्ड नहीं मिलता है, उसके लिए फिर से आपको अप्लाई करना पड़ता है, और उसके अप्लाई करने में भी क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 5वां रीज़न ये है कि आप नया पैन कार्ड दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब कि आपका जो पैन कार्ड होता है PAN, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो कि एक बार अलॉट होता है एक ही आधार कार्ड पे, और ये पहले तो होता था कि आधार कार्ड जब नहीं था तो हम पैन कार्ड बनवा लेते थे वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस के, लेकिन जब से आधार कार्ड से लिंक होना शुरू हुआ है तब से एक ही पैन कार्ड आपका बनेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर वही रहेगा आपका, और उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, जब इसमें सिग्नेचर अपलोड नहीं कर सकते, फादर सेम नहीं आएगा, रिसेंट फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, फिजिकल पैन कार्ड मिलता ही नहीं है, वो तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, ठीक है, और दोबारा हम नया पैन कार्ड अप्लाई नहीं कर सकते, तो इतने सारे डाउनफॉल होने के बाद में आपका ई पैन कार्ड और आपका ये ओरिजिनल भी नहीं माना जाएगा। आप कहीं जाएंगे दिखाएंगे तो भी आपका जो है, ये मान लीजिए 80% आपका इससे काम नहीं होने वाला है। एक बार आपको जो है, अगर कोई जॉब में अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ एक बार को ये चल सकता है, लेकिन अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड कहीं जाएंगे इसके लिए, काम के लिए इसको लेकर, तो वो साफ मना कर देंगे कि भाई ये पैन कार्ड नहीं चलेगा। अब जिन लोगों का अप्लाई हो चुका है तो उस केस में हम क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका अगर ई पैन कार्ड बन चुका है तो आप उसको फिजिकल पैन कार्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और आपके घर पे ये कैसे आएगा? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है onlineservice.nsdl.com। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पर जब आप आएंगे यहाँ पर आपको एप्लीकेशन टाइप पर यहाँ पर आपको चूज़ कर लेना है चेंजेस और करेक्शन इन एग्जिस्टिंग पैन डाटा और रीप्रिंट पैन कार्ड। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद हमें कैटेगरी पर चूज़ कर लेना है इंडिविजुअल। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर टाइटल में आपको श्रीमती श्री कुमारी जो भी आप टाइटल लगाना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइटल चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम में आपका वो लास्ट नेम भरना है जो आपका सरनेम होता है, और फर्स्ट नेम में आपका जो फर्स्ट नेम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रवि कुमार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट नेम आएगा यहाँ पर रवि और यहाँ पर लास्ट नेम आएगा कुमार। यहाँ पर थोड़ा सा ये उल्टा होता है, पहले आपको लास्ट नेम लिखना है फिर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, ठीक है। और अगर रवि कुमार शर्मा है तो कुमार मिडिल में आएगा फिर शर्मा लास्ट में आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है इस फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद आपका कोई ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और आपका जो आधार में लिंक है नंबर वही आप यहाँ पर डालिएगा। और यहाँ पर आप सिटीज़न इंडिया में, आप इंडिया के रहने वाले हैं या नहीं, तो आप ऑब्वियसली यस पर आप क्लिक कर दीजिएगा,
और यहाँ पर आपका जो भी ई पैन कार्ड में जो आपका पैन नंबर मिला है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। और सिंपली यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पर ये सबमिट कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पर एक आपका जो है टोकन नंबर आ जाएगा, आप इसको कॉपी कर लीजिएगा और इसको आप नोटपैड में जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद विद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन शो होंगे, आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ई साइनिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर पैन नंबर शो हो जाएगा और यहाँ पर जो है आपके आधार के लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नीचे नाम डालना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो सब आप यहाँ पर चेक कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना जो जेंडर है वो आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये जो बॉक्स है यहाँ पर आपको करेक्शन अगर कोई करना है, आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई प्रॉब्लम है या उस चीज़ से जो करेक्शन करना है, जैसे कि यहाँ पर हमें फ़ोटो और सिग्नेचर हमें अपलोड करने हैं अपने ई पैन कार्ड में, तो हमारा जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टिक हो गया है। ठीक है, और अगर ये टिक नहीं होता तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा और फ़ोटो और सिग्नेचर पर जो है आप यहाँ पर टिक करने के बाद इसे अपलोड कर पाएंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना नीचे फादर्स नेम आप यहाँ पर डालना है। ठीक है, उनका लास्ट नेम सरनेम जो भी है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना रेजिडेंस और ऑफिस एड्रेस, कोई एक एड्रेस यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर कंट्री नेम डाल देना है और यहाँ का जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको अपना कंट्री कोड ISD कोड सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर इंडिया चूज़ कर लेना है, आप इंडिया में रहते हैं तो। और उसके बाद यहाँ पर आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो लास्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पर आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस आपको यहाँ पर और प्रूफ ऑफ DOB यानी डेट ऑफ बर्थ का जो भी आपका प्रूफ है वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर हमारे पास केवल आधार कार्ड है और हमारा जो पिछला जो ई पैन कार्ड है उसकी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिंपली हमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पे हमें आधार कार्ड चूज़ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार कार्ड चूज़ कर लेना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ में भी आप आधार कार्ड चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ पैन कार्ड जो भी आपके पास है, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ पैन अलॉटमेंट, या अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ओनली आपके पास पैन नंबर है तो आप ये वाला ऑप्शन जो है सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास पैन कार्ड की कोई कॉपी है तो आप पैन कार्ड का जो है ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे, आप अपने लिए मंगाना चाहते हैं या किसी और के लिए है आपके एड्रेस पे, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप अपने लिए करना चाह रहे हैं हिम और हिमसेल्फ, तो आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेस में यहाँ पर आपको आपका जो भी स्टेट है, प्लेस आपका दिल्ली है, UP है, जो भी है, तो आप यहाँ पर आप एंटर कर देंगे स्टेट का नाम, प्लेस का नाम जो भी है आपका। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो अपलोड कर लेना है जिसका साइज़ आपका 50 KB के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना एक सिग्नेचर का जो स्कैन किया हुआ जो फ़ोटो है, जो इमेज है, वो यहाँ पर आपको अपलोड कर लेना है। ठीक है, उसका भी साइज़ आपको 50 KB के अंदर ही रखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये PDF में अपलोड करने हैं। तो अपलोड कैसे करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसका साइज़ जो है 300 KB के अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे कि अपलोड करना है अपना फ़ोटो, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं हमारा यहाँ फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब हम यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे, देख सकते हैं हमारे यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। अब हमें आधार कार्ड और हमारे जो पैन कार्ड की कॉपी है वो हम इसे अपलोड करेंगे, जिसका साइज़ 300 KB के अंदर। तो डॉक्यूमेंट की PDF हमें अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, और अपलोड करने के लिए फिर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और इसे सेव एज ड्राफ्ट पर एक बार सेव कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा डाटा जो है सक्सेसफुली सेव हो गया है। अगर ये लॉग आउट हो भी जाता है, इसका टाइम आउट हो जाता है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ पर फिल्ड आएंगी। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो सारी फाइलें जो है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब हम सीधे लास्ट जो ऑप्शन है वो सबमिट का है, इसे हम क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे आधार के 1st 8 डिजिट मांगे जा रहे हैं। हम यहाँ पर आधार के 1st 8 डिजिट यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद सबसे नीचे आने के बाद हमें प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, और जैसे हम क्लिक करेंगे हमें यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर जो है पेमेंट थ्रू बिल्डेक्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम पेमेंट करेंगे, और यहाँ पर हमें शो हो जाएगा पेमेंट कितनी करनी है।
और आपको जो है ये ट्रांजेक्शन आईडी आपको कॉपी कर लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पेमेंट डिडक्ट होती है और अपडेट नहीं होती तो आप इसके थ्रू NSDL के कस्टमर केयर में बात करके पेमेंट जो है ट्रैक कर सकते हैं और अपडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कई सारे मोड आ गए हैं, हम सिंपली जो है QR कोड पर। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद इस तरह से यहाँ पर शो हो जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन, हमें यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद OTP ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास जो OTP आया होगा वो यहाँ पर आपको OTP डाल देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम यहाँ पर सबमिट करते हैं आप कंटिन्यू विद ईसाइन पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें आई हैव यू पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर VID या आधार नंबर, यानी वर्चुअल आईडी या आधार नंबर, दो में से एक चीज़ यहाँ पर आपको दोबारा से डालना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद हमारी यहाँ पे जो है सक्सेसफुली ये एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है और इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये PDF यहाँ पर शो हो जाएगा। इसे ओपन करने के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है आपका, और आपको विदाउट स्लैश डालना है तभी आपका ओपन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 30/9/2001 है डेट ऑफ बर्थ, तो हम 30092001 इसे हम यहाँ पर सिंपली डाल देंगे और ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से जो ये ओपन हो चुका है, सारी डिटेल्स इस तरह से चेक कर सकते हैं और जो जो डिटेल्स हमने फिल करी थी यहाँ पर सारी आ चुकी हैं। तो यही प्रोसेस है और आपका जो ई पैन कार्ड है वो आपका फिजिकल पैन कार्ड इस तरह से आपके घर पर आ जाएगा, जो आपके आधार में एड्रेस होगा और जो भी आपने एप्लीकेशन में मेंशन किया होगा वो सब आपका जो है उसके अकॉर्डिंग आपके घर पर आ जाएगा और आपका ई पैन कार्ड फिजिकल पैन कार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट नहीं करते तो हमें पता नहीं लगता आगे किस टॉपिक पर हमें वीडियो बनाना है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करें, और कोई कन्फ्यूज़न है तो भी आप हमें कमेंट करें, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके जो क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम जल्द से जल्द हमारी तरफ से रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, कमेंट ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।